وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فصل لربك وانحر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں پوچھے آئی دے چر کھولوں میں پوچھے آئی دے چر کھولوں کسے تینوں عید کرائیے اس آنکھیں میری زندگی دی ایک رات ایہو جی آئیے کدی ملک عرب دی دھرتی تے او کدی ملک عرب دی دھرتی تے کسے سونے انگلی وکھائیے اس انگلی دے راز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائیے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سنو سارے انو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرن واسطے اپنے پیارے سونے دے گھر دے اندر قرآن حدیث سماعت کرن واسطے جمع فرمایا میرے تو پہلے شاکر صاحب بڑا بیان کیتا ہے سونے پیارے نبی دی شان تے اور میرے تو بعد برفی آ رہی ہے برفی مولوی دا نام ہے برفی تسی آکھو گے برفی دا اوندا نام نہیں اوندا نام ہے ناصر مدنی میں اوندا نام رکھیا ہے برفی برفی دیاں دو کوالٹیاں ہوندیاں ایک چٹی ہوندی ہے ایک مٹھی ہوندی او چٹا بھی بڑا ہے تے مٹھا بھی بڑا ہے اور وہ میرا خیال ہے 10:30 تک پہنچ جان گے وہ مسجد وچ قدم رکھن گے اور میں انشاءاللہ تھوڑے کو چھٹی لے لواں گا میں مسئلہ بیان کرنا چاہنا کہ پیارے نبی نو معراج ہویا میرا تے تیرا سوہنا نبی وی آئی پی مہمان بنیا عرشاں دا تے رب وی آئی پی میزبان بنیا عرشاں دا اور جدو مہمان دی تے وی آئی پی مہمان دی تے میزبان دی ملاقات ہوئی پھر مہمان نے واپس آنا ہی ہوندا ہے مہمان واپس آون لگا تے عرش والے خدا نے اپنے پیارے مہمان نو گفٹ دیتا
वो गिफ्ट क्या है? वो गिफ्ट है नमाज। जलसों के अंदर तकरीर बड़िया बड़िया होंगे, लेकिन जड़ा बहुत बड़ा मसला है वह नमाज है। तो नमाज बयान नहीं होंगी जलसों के अंदर, यही वजह है जलसा बेमिसाल होया। तो जिन्ना जिन्ना सुनया अगले दिन उन्होंने नमाज सुबह की भी खैर नाल जाया हो गई। उनकी वजह यह है कि कुछ लोग तो ये सोच बनदन कि जलसा जो सुन लिया है हुण नमाज की कसर है, अजे नमाज बाकी। मेरे प्यारे भाइयो, नमाज कुछ ऐसे अमल हैं कि जिन्हों का ताल्लुक सेहत नाल है। सेहत होएगी तो रोजे रखोगे, अगर बीमार हो जाओगे तो तुहानू रोजिया की छुट्टी है बाद च कजाई है। प्यारे भाइयो, कुछ अमल ऐसा कि जिन्हों का ताल्लुक वक्त नाल है। जुमा हर रोज़ नहीं, जुमा अठवें दिन है। हज जिंदगी दे अंदर एक बार है, रमज़ान दे रोज़े शान वाले बड़े हैं पर रोज़ाना नहीं, साल बाद हैं। ज़कात दा अमल उच्चा बड़ा है पर हर रोज़ कोई नहीं, साल बाद है। इस तरह मेरे प्यारे भाइयों, ये जिहड़ी नमाज है ना, इहदा तल्लक सेहत नाल है, ना इहदा तल्लक कोई मतलब है साल बाद है या अठवें दिन है। ये तो हर रोज़ पांच टाइम है पढ़नी ने, तो पांच टाइम पढ़नी पवेगी। अगर बंदा पांच टाइम का नमाजी नहीं, कभी पढ़ता है कभी छड़ता है, कभी पांच कभी दो कभी एक, इस बंदे नु भी जन्नत नहीं मिलेगी, बल्कि जदों खड़ा किया जाएगा फिरौन नाल उठाया जाए। मेरे प्यारे भाइयों, पांच टाइम नमाज पढ़नी होएगी। और कदों तक पढ़नी है? मरदे दम तक पढ़नी है, तेरी मौत आवे तो तू नमाज पढ़ी होवे। नमाज का टाइम हो गया सी तो गाफिल हो गया, तो आख्या चलो अगली नमाज का टाइम आएगा तो पढ़ लवेंगे। अगली नमाज तो पहले पहले तेरी जिंदगी का वक्त दा, तेरी जिंदगी मुक गई, तेरी इस्लाम से मौत नहीं। क्योंकि इस बंदे ने आखिरी जिंदगी की नमाज पढ़ी कोई नहीं। इस वास्ते नमाज का वक्त या हो जाए गाफिल ना होना, फौरन पढ़ लेना। अगली नमाज तक इंतजार ना करो, मौत इंतजार नहीं करेगी। ला यस्ताखिरून सा वला यस्तकदिमून, एक सेकेंड भी नहीं रुकेगी। उन्हें यह नहीं आखना कि नमाज रह गई है, अगली नमाज आ लवे पढ़ लवे फिर मैं आनी हाँ, मौत ने फौरन आ जा। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं मसला नमाज समझावगा। बड़े बड़े खतीब नमाज समझादन, ये भी एक सीरत का उनवान है कि मेरा नबी नमाजी है तो मैं नमाज से दरस देंगा। इनका मान है कि सीरत दो आलिम, ये सीरत बयान हो रही। मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा जा मेरा अपना फर्क, अपना एक अंदाज, अपनी सेटिंग है मेरे उनवान दी, वो क्या है? वैसे तो कुरान गहरा समंदर है, मोतियां दा भरिया होया है। अगर मैं पूरे कुरान चो नमाज दियाँ आयतां लभ लभ के तुहानू सुनावां तो वह बनेगियां 350 आयत। 350 आयत बनेगी कुरान मजीद जिथे नमाज लिखी है। मैं 350 आयत नहीं पढ़ांगा, मैं पढ़ांगा 28 आयतां। हर सिपारे दे विचों मैं नमाज का एक एक आयत बयान करके किस आयत की तशरीह करांगा, किस आयत की भी नहीं करांगा। क्योंकि एक एक आयत से अगर मैं वजात करन लग पवां तो अद्धा अद्धा घंटा भी बयान होवे तो 28, ये तो फिर बड़ी लंबी तकरीर होएगी। और इस वास्ते मेरे प्यारे भाइयों, मैं इंशाल्लाह एक एक मकाम पढ़ांगा, किसे आयत का तर्जमा करांगा किसे का नहीं करांगा।
जिंदा ना करा अपने खतीब साहब तो जुमे आले दिन तर्जमा करवा लेना। तुसी आखोगे हर सिपारे दे अंदर अल्लाह ने लिखा मसला नमाज, हर सिपारे दे अंदर एक एक बार भी नहीं कई कई बार। इतना प्यारा है अल्लाह नू ये अमल नमाज वाला लगता है। सुबहान अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों जरा पहला सिपारा सुनो, एडवांस सुबहान अल्लाह पढ़नी चाहिए। नमाज का मसला छोटा नहीं बड़ा उच्चा है, तो उच्ची सुबहान अल्लाह चाहिए उच्ची। जेड़े नमाजी नहीं आज भी पढ़ लो सुबहान अल्लाह की बरकत नाल शायद तुसी नमाजी हो जाओ। उच्ची बात हाथ खड़ा करके सुबहान अल्लाह। हुण ब्रेक नहीं लानी चाहिए। सिपारा पहला मसला नमाज है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ए किताब कुरान मजीद तीस सिपारियां वाली किताब है। हर सिपारा ला रैब, एक सौ चौदह सूरतों वाली किताब है। हर सूरत ला रैब, पंज सौ अठवंजा रकुआ वाली किताब है। हर रकु ला रैब, छः हजार दो सौ अठत्तीस वाली किताब है। हर ऐत ला रैब। और मेरे प्यारे भाइयों त्राई लाख छियाली हजार पाँच सौ अठानवे हरफ बन दिन कुरान दे। हर हरफ ला रैब हुदल लिल मुत्तकीन। ए कुरान हदायत दिंदा है मुत्तकीन लोगों नु। ते मुत्तकी कौन है? वयुकीमु नस्सलात, जो नमाजा नु कायम करदे ने ओ मुत्तकी ने। और मुत्तकीन लोगों नु हदायत मिलदी है, ते जिंदे कोल हदायत होएगी उनके कोल जन्नत होएगी। जिंदे कोल हदायत नहीं है उनके कोल जन्नत नहीं है। बेनिमाजिया कोल हदायत कोई नहीं, ते जिंदे कोल हदायत कोई नहीं उनके कोल जन्नत कोई नहीं। अगर जन्नत वजना चाहना है तो हदायत लेना जरूरी है। तो हदायत कुरान किन्नु देंदे? वयुकीमु नस्सलात, जिंदे कोल नमाज है नमाजा नु कायम करया है। तो इंशाल्लाह रब हदायत देगा, हदायत तो बाद क्यामत नु जन्नत देगा। ये सिपारा पहला है। हुण सिपारा दूसरा निकल आया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सबर वस्सलाह, इन्नल्लाह मासाबरीन। मोमिन दो अमलों की वजह नाल अल्लाह की मदद लैंदा है। मोमिन पहली मदद लैंदा है अगर दुख आ गया है, कोई मुसीबत आ गई है, आजमाइश आ गई है, परेशानी आ गई है, तो मोमिन सबर कर दे। अल्लाह सबर नाल बंदे की मदद कर दे। जिमें सबर किते आन याकूब नबी ने, बेटा गुम हो गया है,
पूछे आओ बचे हो मेरा यूसुफ कहाँ है। उन्हें आख्या यूसुफ नू भेड़िया खा गए। याकूब नबी आंदा है कोई निशानी दो, आखिर भेड़िए नू जो खादा है कोई निशानी दो। आखन लगे जी आ कुड़ता खून दे नाल लत पत होया होया है। जदों याकूब नबी ने कुड़ते नू फोलिया ते कहन लगे कोई चन चढ़िया है, कोई चक्कर चल गया है, कोई कारवाई हो गई है। भेड़िया दरिंदा है इतना सियाणा तो नहीं आ कि कमीज का बोटन भी नहीं टुटिया और यूसुफ सारा ही खवी गया है। अदब तो करना चाहिए सी भेड़िए नू मेरे प्यारे यूसुफ दा, ते अदब कर गया कमीज दा। ये अजीब गल है। उन्हें आख्या हुण मैं किसी नू वाह वैला नहीं करांगा। ते प्यारे याकूब नबी ने की के इस मुसीबत ज भारी मुसीबत जाके मेरे दुखी याकूब नबी ने की किया, फसबर जमील, मैं सबर जमील करांगा। सबर जमील की है, मैं वयन नहीं करांगा, मैं अपने बेटे दे कसीदे नहीं पढ़ांगा खाम दे, मैं सोना सबर करांगा। ईमान न दसो जदो याकूब नबी ने सबर किते आन, प्यारे यूसुफ नबी ने भी सबर किते आन, फिर मुलाकात होई है कि नहीं होई? जड़ी अखियां दी बिनाई चली गई आई वो दोबारा मिली है कि नहीं मिली? वो जड़े भैया बान किनाने च बैठे आन, फिर मिसर दे शहन शाही और बड़िया बड़िया आला रैशा मिलियां कि नहीं मिलियां? प्यारे यूसुफ नू अल्लाह ने बादशाह मिसर दा बनाया कि नहीं बनाया? वो जो सबर करोगे फिर अल्लाह दियाँ मदतों दियन आमानुस्ताइन भी सबर है। सबर नाल बंदिया की मदद होंगी है। अगे आया आमानुस्ताइनो भी सबर है वसला, नमाज नाल बंदिया की मदद होंगी है। हजरत इब्राहिम ने भी जा रहे आन रस्ते दे अंदर जालिम बादशाह ने इब्राहिम ने भी दी बीवी नू पकड़ लिया है, कमरिया के अंदर बंद कर लिया। ते बाबा इब्राहिम ने भी पुछदा है ओ लोगो ये जालिम बादशाह की करेगा? अखे जी ये बुरा सलूक करेगा, ये ज्यादती करेगा। क्यों? ये जालिम बादशाह मुसाफिर मेहमान औरतों की इज्जत लुट दे। तो फिर बाबे इब्राहिम नबी ने किसी नू मिन्नत नहीं की, किसी नू तरला नहीं लिया। तो पता की किया? उन्होंने नमाज नहीं दिती है। अजे सलाम इब्राहिम नबी ने नहीं सी फेरिया। तो रब ने अजमैश जो कढ़ के कामयाबियां नाल इज्जत नाल रिहाइयां दे छड़ियां, वो साड़ी अम्मा जान रिहा हो गई है। फिर इो नमाज दे दो नफा लाण, एक तो इज्जत बच गई नफलों की वजह नाल, मदद आई है कि नहीं आई? नमाज की वजह नाल अल्लाह की बड़ी जल्दी मदद आती है। फिर इो दो नफलों की वजह नाल इस बादशाह ने अपनी बेटी दिती है गिफ्ट के तौर पर। आए मैं गिफ्ट देना अपनी बेटी, इनके नाल निकाह करके इनू बीवी बना लिया है। बाबे इब्राहिम ने निकाह किया, फिर वह बाबा जी की बीवी बनी। इनके विचों एक लाल जमया जिंदा नाँ इस्माइल नबी है। तो इस्माइल विचू मेरा पाक मुहम्मद पैदा होया। क्या शान है नमाज का! ये दो नफलों की बार वजह नाल इतना लम्मी चौड़ी मदद हुई है। ये सिपारा दूसरा है, अल्लाह मदद कर दे नमाजा की वजह नाल, अल्लाह मदद कर दे सबर की वजह नाल। आमानुस्ताइनो बिसबरे वसला। सिपारा निकल आया है तीसरा। हर हर आयत की मैं वजाहत नहीं करांगा क्योंकि टाइम करीब है। थोड़ा महबूब आ रहा है या वो आ गया चिट्टे मूँह वाला, तुसी मैंने वेखना भी नहीं। इज्जत ही है कि पहले पहले ही चले जाओ। तीसरा सिपारा निकल आया है, इत्थे भी मसला नमाज आएगा। इन नल्लज़ीन आमनू वामिलुस्सालिहात अका
مصلاتا وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون कोई नहीं मां का मसला समझ आता है वाकयात बयान करके, कोई नहीं मां समझ आता शेरो शेरी करके। यासिन बलोच आया गरजाख दे अंदर नी मां का मसला समझ आएगा कुरान करीम के हवाले नाल। कयामत वाले दिन हर कोई परेशान होएगा, खौफ ज़दा होएगा, गम ज़दा होएगा, लेकिन एक जमात ऐसी है जड़ी कयामत वाले दिन भी ना खौफ होएगा ना गम होएगा। ओ कयामत वाले दिन खौफ तो कौन बचेगा, गम तो कौन बचेगा। अका मुसलात जड़ा निमाज़ा नू कायम करदा रहा वो किवें खौफ तो बचेगा। वो या कब्रां च उठाया जाएगा निमाजी बंदा, अल्लाह सद मार के आखेगा ओ निमाजी ओ मेरे अरश थले आके सौ जाओ। जो अरश थले सौ जान गए जहो दे कौसर दा पानी पी के अल्लाह अल्लाह कयामत दा दिन मुक जाएगा। सुतियां सुतियां सारी दुनिया भुज रही होएगी जिमें भट्ठी च दाने भुज रहे, निमाजी सुते होणगे। जदो कयामत दा दिन खत्म हो जाएगा ते आखणगे अल्लाह साईया सवाज छड़े आई ते कच्ची नींदरी उठा ले आई। आए उस दिन अगर सारी दुनिया परेशान होएगी खौफ ज़दा होएगी, ओए एक जमात ऐसी है जिन्होंने कयामत वाले दिन ना खौफ होएगा ना गम होएगा। वो कौन होण गया का मुसलात सिबारा निकला चौथा अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह वक़ूदन वाला जुनूबिहिम सिबारा निकला पंजवा फ़ैज़ा क़ज़ैतुम सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामा वक़ूदन वाला जुनूबिहिम सिबारा निकला छिवा लेकिन राशिखून फिल इल्म मिनहुम वल मुमिनून वल मुमिनून युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लक वल मुक़ीमीन सलात। इन्ना कुरान सुन के भी सुभान अल्लाह नहीं पढ़नी कदों पढ़नी ने क़यामत नूं उच्ची बोल गज के बोल सुभान अल्लाह। सिबारा निकला सतवा वअन अकीम मुसलाता वत्तकूह वहुवल्लज़ी इलैहि तुशरून। सिबारा निकला अठवा क्यों जी किनो बाकी किन्ने रह गए तिया जू वो बोलते नहीं गूंगे भाई। अठवा सिबारा निकल आया है इतने भी नमाज आएगी कुल इन सलाती व नुसुखी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चार गल्ला पाक नबी ने से आखियन फरमाया मेरी नमाज अल्लाह के लिए चार जो पहली गल इन्ना सलाती
नमाज मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरी जिंदगी अल्लाह के लिए, मेरिया रातें अल्लाह के लिए, मेरे दिन अल्लाह के लिए, मेरा प्यार अल्लाह के लिए, मेरा गुस्सा अल्लाह के लिए, मेरी फजर अल्लाह के लिए, मेरी जोर अल्लाह के लिए, मेरी असर अल्लाह के लिए, मेरी मगरब अल्लाह के लिए, मेरी इशा अल्लाह के लिए, मेरी तहज्जुद अल्लाह के लिए, मेरी शराक अल्लाह के लिए, मेरा क़याम अल्लाह के लिए, मेरा रुकू अल्लाह के लिए, मेरे सजदे अल्लाह के लिए, और मेरा तशहुद अल्लाह के लिए, और नजर व नियाज़ अल्लाह के लिए, मेरियाँ सर्दियाँ अल्लाह के लिए, मेरियाँ गर्मियाँ अल्लाह के लिए, मौसम बहार अल्लाह के लिए, पूरी उम्र का एक एक मिनट सेकेंड अल्लाह के लिए, आए दुनिया तो जाना अल्लाह के लिए, अल्लाह कहेगा ओ मेरे हबीब सारी जिंदगी मेरे लिए, जन्नत मेरी है सिरदारी तेरे लिए, अल्लाह अकबर। ए सिबारा अठवां पढ़े हूँ, सिबारा नावा सुन लो, ओ गुजरां वाले दे बासियो, मसला नमाज बाहवाला कुरान, नवा सिबारा सुबहान अल्लाह दवास चाहिए, वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताब अकाम मुस्सलात, सिबारा निकल आया दावा, इन्नमा यामुर मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अकाम मसलात, तवज्जो है। जेड़ा बंदा मसीता बनांदे उंदा अल्लाह ते ईमान है, जेड़ा बंदा मसीता बनांदे उंदा आखरत ते ईमान है। फरमाया मस्जिद बनावन तो बाद मुड़ घर नहीं चला जांदा कि मस्जिद बन गई है, कलीन विच गए, टीलां लग गई, स्पीकर चल गए, मौलवी रखी गया, खतीब बन गया, नहीं नहीं अकाम मसलात। मुसनद अहमद हदीस है, जड़ा बंदा मस्जिद ले पैदा लावे नमाज वास्ते, फिर वुजू नाल नमाज पढ़े, फिर कुछ देर बैठा रवे मस्जिद के अंदर, आवन नाल गुनाह मिट जाण, वुजू करण नाल गुनाह मिट जाण, जितनी देर मस्जिद बैठा रहेगा गुनाह मिट दे रसन। मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबियो, जड़ा सारी उम्र इतने कम करता रहे उनका नतीजा की होएगा? फरमाया सानू पता नहीं, साड़ा नबी दसे। मेरे नबी ने फरमाया ओ जदो फौत होएगा इो रंगा नमाजी, फरमाया उस वेले उनके जिम्मे गुनाह नहीं होएगा, इस तरह मरेगा जिमें अज मां दे पेट चू पैदा होया है, ते कबर दे पेड़े चला गया जिमें पहले दिन का बच्चा मर के पैदा होकर मर जाए। उनके जिम्मे गुनाह कोई नहीं, इस नमाजी के जिम्मे भी गुनाह कोई नहीं। सिबारा निकल आया है यारवा, इतने भी नमाज का जिक्र आएगा लेकिन सलात नहीं आएगा, सजदा आएगा। अत्ताएबूनल आबिदूनल हामिदूनस साइहूनर राकिऊनस साजिदून, उच्ची बोलो, रकू करने वाले सजदे करने वाले। प्यारे भाइयों जरा चलिए अगे, सिबारा निकल आया है बारवा, वाकिमिस सलाता
طرفي النهار زلفا من الليل سبارا نگڑا ہے تیروا والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم اقاموا الصلاة ایتھے ایک گل نکی جی سمجھا دیاں اللہ دی رضا لینا چاہندے ہو یا کہ نہیں اللہ دی رضا تو بغیر جنت ملنی ہے کہ رضا دے نال ملنی ہے حضرت مولانا میاں باقر رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے جماعت الحدیث دے ولی اللہ سن ولی اللہ او اکثر آدھے ہوندے آن اللہ میں تیرے تے راضی بیمار ہو گئے بڑے آدھن اللہ میں تیرے تے راضی صحت مل گئی اللہ میں تیرے تے راضی بیٹا جوان فوت ہو گیا تین بچے ہوندے یتیم ہو گئے تے بابا میاں باقر آندہ اللہ میں تیرے تے آج بھی اوویں راضی نالے رو رہے نالے کہیں راضی ایک بابا بولے آئی نترا چٹی داڑی والا وہ آندہ ہے میاں باقر کی آندہ رہنا ہے تینوں کی فائدہ سی میں تیرے تے راضی میں تیرے تے راضی اللہ میں تیرے تے راضی میاں باقر آندہ کدی تے رب وی آکھ سی بس کر باقر میں رب وی راضی یا اللہ نے کہے چھڑے آت میری جنت بن جائے گی او گجرا والے دے باسیو جے رب دی رضا لینا چاہنا ہے دوویں ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ دے تینو حال دساں رب دی رضا کنو آئے گی اقام الصلاۃ اللہ دی رضا کس جماعت نو آنی ہے فرمایا جڑے پانچ ٹائم دے پکے نمازیاں نمازاں نو قائم کرن والے انہاں تے اللہ دی رضا آئے گی جنہاں تے اللہ دی رضا آئے گی انہاں کول جنت آئے گی آئے ویسے بھی نبی پاک نے فرمایا نماز جنت دی چابی ہے جے تیرے کول چابی نہ ہوئی تے تالے جنت دے کیویں کھولے گا سپارہ نکل آیا ہے چودواں وللہ یسجدو ما فی السماوات و ما فی الارض زمین و آسمان دے وچ جو مخلوقاں دیاں او اللہ نو سجدہ کریں دیاں امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤں دیاں نی شہد تیرے واسطے قرآن تیرے واسطے حدیثاں تیرے واسطے قرآن تیرے واسطے حدیثاں تیرے واسطے قرآن دیاں ایتاں تے نزول تیرے واسطے او کینی کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنا دا لال یا رسول تیرے واسطے اللہ دا دنیا دیاں ساریاں نعمتاں تیرے واسطے جنت دیاں نعمتاں تیرے واسطے سونے دے محل جنتی تیرے واسطے دودھ دیاں نہراں ماکھی دیاں نہراں پانی دیاں نہراں شراب دیاں نہراں بغات سارے تیرے واسطے جنہ باغاں دے جو پھل ہون گے او فروٹ ہک کھائے گا دوبارہ کھائے گا ذائقہ ہور ہوئے گا ستر ستر دے کے آن گے جنتی فروٹاں دے اندر کھٹا نہیں ہوئے گا کوئی بد ذائقہ نہیں ہوئے گا کوئی کیڑے والا ماریا ہوا نہیں ہوئے گا
हाय ऐसे ऐसे तैनू नेमत दितियां जाणगियां। अल्लाह दा जन्नत दियां नेमतां भी तेरे वास्ते, दुनिया दियां नेमतां भी तेरे वास्ते, ओ बंदे आ तू मेरे वास्ते। वलिल्लाहे यस्जुदु मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़। सिबारा निकल आया पंद्रवा, आकीम सलाता लिदुलू की शम्स इला गसकिल लैल। सिबारा निकल आया सोलवा, इत गल निकी दी समझानी पौनी है। ओ जदो बनाया जा रहा सी बैतुल्ला, ते कौन बना रहा न, इट्टा लेके आ रहा सी ज़बीहुल्ला, मजदूर बनया ज़बीहुल्ला, मिस्त्री बनया खलीलुल्ला, बनाया जा रहा है बैतुल्ला, दुआ होई भेज दे मुहम्मद रसूलुल्ला। हाय हाय, ओ जिन्ना दी लड़ी च मेरा नबी आया है, उनका ना इस्माइल नबी है। हाय इस्माइल अपनी बीवी तो बच्चों की हुक्म दे रहा है, तुम्हें अपने बच्चों ऑर्डर करना है, सुबह सुबह टाई पा, सुबह सुबह पेंट पा, सुबह सुबह दाढ़ी मुना, तू कॉलेज जा रहा है, सुबह सुबह नाश्ता फरमा, सुबह सुबह अखबार पढ़, सुबह सुबह आए फुलाना, और रात को ट्यूशन पढ़, ये तू आर्डर करना अपने बच्चों। इस्माइल नबी इो रंगे आर्डर नहीं देंदा, पता की आता वा क्या या मोरो बिसलात। ओ मेरी बीवी मेरे बच्चो सुन लो, मेरा आर्डर है कि तुसी सारी उम्र नी माज नहीं छड़नी। सिबारा निकल आया सतानवा, व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात। अल्लाह दा मेरे नबियो नेकी करो। अल्लाह नबिया नु वही करदा, नेकी करो। नबिया दन केड़ी नेकी करिए, अल्लाह सोना बोलना भी नेकी है। फरमाया नहीं। गवाढ़ियां नाल सलूक करना भी नेकी है। फरमाया नहीं। नफली फर्दी रोजे रखना भी नेकी है। फरमाया नहीं। लोगों को गुनाहों तो रोकना भी नेकी है। फरमाया नहीं। नेक अमल दी दावा देना भी नेकी है। फरमाया नहीं। कोई समझ थी रही है? कोई समझ थी रही है? वाकई आ रही है समझ के नहीं आ रही? अच्छा, जरा मेरी बोली थोड़े नो सही नहीं, थोड़ी बोली जरा सही है, मेरी सही नहीं बोली। तो जो चाहिए है तो जो अल्लाह दा नबी नेकी करा। अल्लाह जी केड़ी नेकी करी है? मुसलात। हर नबी नु अल्लाह वही दे जरिए आख्या नमाज पढ़ो। हर नबी नु नमाज दा डर है। जेड़ा बंदा पांच टाइम दा नमाजी बनेगा, आज तो बाद बन सो, आज तो बाद बन सो के छड़ सो। सुन लो, किसे कोल नबी पाक दी एक सीरत आएगी, एक सीरत बनाई होएगी। निमाजी बंदिया कोल सवा लख नबिया दी सीरत होएगी, क्योंकि हर नबी निमाजी है और ये बंदा भी निमाजी। सतारवा सिबारा पढ़िया गया, सिबारा अठारवा सुनो। इत्थे मैं एक छोटी जी गल करना चाहना, मेरे ने तो जो ये बंदे आते जाते रहते, कोई नहीं गल इन्हों ना वेखा करो, इन्हों रोज़ाना भी आंदो, मैंने वेखो आज तुम मैंने कल वेख लो। मेरे तो बाद मुड़ एक होर शख्सियत आएगी, मुड़ो उन्होंने भी अंदर वे जरा हूँ मैं वेख लो।
ਸਾਡੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਪਾਰੇ ਵੀ 18ਵੇਂ ਅਪੜਖ ਲਾ ਅਤੇ ਸਾਧ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਕੰਮ ਐਂਡ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹਟਦਾ ਵੀ 18ਵਾਂ ਸਿਪਾਰਾ ਮੈਂ ਪੜੂੰਗਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੰਨਤ ਛੋਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਫਿਰਦੌਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਦੌਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਦੌਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਦੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਮੰਗੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਯਾਰ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਦੌਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਯਾਰ ਲੈ ਉੱਚੀ ਆਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀ ਨੁੱਚੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੌਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਦੱਸਾਂ ਸੁਭਾਨ ਲਾ ਫਿਰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵੱਲਜ਼ੀ على صلواتهم يحافظون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللہ دا کنو فردوس دے آں گا جڑا نمازاں دی حفاظت کرے امی فوت ہو گئی ہے پر نماز فوت نہیں ہوئی ابو فوت ہویا پیا ہے پر نماز فوت نہیں ہوئی بیٹا فوت ہو گیا ہے پر نماز فوت نہیں ہوئی اللہ اللہ بیماری آ گئی ہے پر نماز فوت ٹینشن بڑی ہو گئی ہے پر نماز فوت دکھ آیا نماز فوت نہیں ہوئی سکھ آ گیا نماز فوت نہیں ہوئی ایم پی اے یا ایم این اے بن گیا ہے پر نماز فوت نہیں ہوئی جڑا بندہ ساری عمر نمازاں دی حفاظت کرتا ہے اللہ دا تینوں میں وڈی جنت دیاں گا الذین یرثون الفردوس فردوس جو وجنا چاہتا ہے تو نمازی بننا پڑے گا یہ 18ویں سپارہ ہے ਹੁਣ ਮੈਂ 19-12 ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਵਲੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਲੀ 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 ਅੱਲਾਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ ਮੌਲਾਨਾ ਇਸਮਾਈਲ ਸਲਫੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਲਿਆਣ ਗੁਜਰਾਣੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਵੀਂ ਆਹ ਸਪੀਕਰ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਖੋਲੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਇਸਮਾਈਲ ਸਲਫੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਣ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਂਦਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਆਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਨ ਨੂਰਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਆਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰੀ ਆਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰੀ ਆਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਯਹਿਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਆਣ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਸੂਫੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਣ ਵਾਲੇ ਆਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਬਾਕਰ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਆਣ ਅਗਰ ਇਹੋ ਰੰਗੇ ਵਲੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੇਲੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੱਜਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰ ਦੱਸਾਂ ਵਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਂਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਉਹ ਨਿਮਾਦ ਹੈ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯਤਬੀ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯਬ
يبيتون لربهم سجدا وقياما ਵਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਉਹ ਸਜਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਹਾਜਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾ ਜਮਾਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤਹਾਜਤ ਦੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠੀਵੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਬਣਾ ਛੱਡੇਗਾ ਆਏ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੇਲੀ ਤੇ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਇਤਨਾ ਮਸਲਾ ਉੱਚਾ ਨਿਮਾਜ਼ ਜੇ ਵਲੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਨੇ ਤੇ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਫਿਰਦੌਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨੇ ਤੇ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸੀਰਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਨੇ ਤੇ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਹਦਾਇਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਿਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮਲ ਆਣ ਪਰ ਨਿਮਾਜ਼ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੀਨ ਫਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਬਰਾਇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰ ਨਿਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ VIP ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ VIP ਮਿਹਰਬਾਨ ਬਣ ਕੇ VIP ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਿਮਾਜ਼ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਿਮਾਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਪੁੱਛਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਬੀਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਬਲਕਿ ਯਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਵੇ ਫਟ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਫੌਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਮਦਦ ਆ ਜਾਏਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮਦਦ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹੋ ਹੁਣ ਸਿਪਾਰਾ 19 ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਪਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਆਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਆਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੂ ਕੀ ਹੈ 20 ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ 19 ਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਿਮਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 20 ਸਿਪਾਰਾ ਛੋੜ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ 21 ਸਿਪਾਰੇ 'ਚ ਨਿਮਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਤਲੁ ਮਾ ਓਹੀਆ ਇਲੈਕ ਮਿਨਲ ਕਿਤਾਬ ਅਕੀਮਿ ਸਲਾ ਇਨਸ ਸਲਾ ਤਨਹਾ ਅਨਿਲ ਫਾਸ਼ਾ ਵਲ ਮੁਨਕਰ ਸਿਪਾਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਬਾਈਆਂ ਅਕੀਮ ਸਲਾਤਾ ਵਾਤੀਨ ਜ਼ਕਾਤਾ ਵਾਤੇਨ ਅੱਲਾਹ ਵਰਸੂਲ ਸਿਪਾਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ 23 ਅਮਨ ਹੁਆ ਕਾਨਿਤੁਨ ਅਨਾ ਅੱਲੈਲੀ ਸਾਜਿਦਨ ਵਕਾਇਮਾ ਅੱਗੇ ਸਿਪਾਰਾ 26 ਨਿਕਲ ਆਇਆ 24 ਸਿਪਾਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਿਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸਿਪਾਰਾ 25 ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਵੱਲਜ਼ੀ ਨਸਤਜਾਬੂ ਲਿਰੱਬਿਹਿਮ ਅਖਾ ਮੁਸਲਾਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹੁਣ ਸਿਪਾਰੇ 4 ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਸਿਪਾਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ 26 ਸੀਮਾਹੁਮ ਫੀ ਵਜੂਹਿਹਿਮ ਮਿਨ ਅਸਰਿ ਸੁਜੂਦ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ 26 ਸਿਪਾਰਾ ਸਿਪਾਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ 27 ਫਸਜੂਦ ਲਿਲਾਹਿ ਵਾਬੁਦ ਸਿਪਾਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ 28 ਫੈਜ਼ ਆ ਕੁਦੀਅਤ ਸਲਾਤ
فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ सिबारा निकल आया उनतियां मैं साला का कुम्फी सकर कालू लम्न कुमिनल मुसल्लीन सिबार माशाल ठीक है फिर ने सिबारा निकल आया तीवा फसल्ली रब्बी का वरहर लो जी एक मैनू सिफारिश आ गई वे लो मैं अयो रंगा मौलवी छे तुहानू घाटी लफजी के जेड़ा पूरा कुरान ही च सुनावे अजे भी तुसी नमाज ना पढ़ो ते बड़ थोड़िया किस्मतां सौ गईयां फिर जनता वीरान हो गईयां फिर टंबियां दे हकदार तुसी ठहरोगे मैं तक सारा कुरान ही पढ़ छड़िया तुहानू मसला नमाज च अगे चलिए मैंने एक डिमांड आई है एक मेरा प्यारा बुजुर्ग है वह आता है कि तुसी शेर पढ़ दो एंड ते वो शेर सुन लो एक फिर मैं अपनी डिमांड का पढ़ांगा एंड ते उतने चिर शायद मदनी साहब आ जाएंगे कि आए हो आ गए कि नहीं आ रहे अजय आ रहे ने हूँ आवेन तो मुड्डू ना आवेन शेरों तो बाद मैं जा रहा पौने यारह थी गण मैं फिर जा रहा मैं हूँ मतलब की कर सकना तो जो माफिया दे कलम अज फिर लसोनिया गल ए पसंद तेनू ढेर लसोनिया माफिया दे कलम अज फिर लसोनिया गल ए पसंद तेनू ढेर लसोनिया तेरियां अतावां अगे मेरियां खतावां की तन्न दे मुकाबले नहीं सेर लसोनिया माफिया दे कलम अज फेर लसोनिया गल ए पसंद तेनू ढेर लसोनिया अगली गल बड़ी कमाल आ रही है गुनेगारा दा है गिण गिण अल्लाह जी खतावां दस केड़ियां गिण गिण अल्लाह जी खतावां दस केड़ियां मच गया मैथू ते हनेर लसोनिया माफिया दे कलम अज फेर लसोनिया गल ए पसंद तैनू ढेर लसोनिया आखरी जुमले बड़े प्यारे ने अडवांस सुभान अल्लाह चाहिए चंगा हाँ या मंदा हाँ अखीर तेरा बंदा हाँ चंगा हाँ या मंदा हाँ अखीर तेरा बंदा हाँ आंदे आंदे होई मैं तू देर लसोनिया माफिया दे कलम अज फेर लसोनिया गल ए पसंद तेनू ढेर लसोनिया आखिर ते शेर सुन लो क्योंकि अज दा जलसा सीरत दो आलम सोने नबी पाक दी सीरत जलसा है निमाज भी सीरत है कोई मैं गलत नहीं बयान किया लेकिन जांदी बार नबी दी नात सुन लो ताकि होर ज्यादा इस जलसे दे निस्बत दे नाल मसला हो जाए सोने मदनी पीर दा ना सुन के सोने मदनी पीर दा ना सुन के सौ रब दी सी ना ठर जांदा सोने मदनी पीर दा ना सुन के सौ रब दी सी ना ठर जांदा किवें नबी दी नात बयान करा किवें नबी दी नात बयान करा लख वार दरूद सलाम पढ़ा उन्दी नात दी इंज मिसाल कहां जिमें अट्टी तो यूसुफ मुल लवां उन्दी शान बुलंद कमालीए उन्दी शान बुलंद कमालीए उन्हु मिलया रुतबा आलीए उन्दी शान बुलंद कमालीए
ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੁਤਬਾ ਆਲੀ ਏ ਉਹਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਏ ਉਹਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਏ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੋਲੋ ਠਰ ਜਾਂਦਾ ਸੋਹਣੇ ਮਦਨੀ ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਸੀਨਾ ਠਰ ਜਾਂਦਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਮਦਨੀ ਪੀਰ ਨਿਰਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰਿਆ ਏ ਮੇਰਾ ਮਦਨੀ ਪੀਰ ਨਿਰਾਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਪਿਆਲਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਦਨੀ ਪੀਰ ਨਿਰਾਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਪਿਆਲਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਰਜ ਰਜ ਦੇਵੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਏ ਪਹਿਲੇ ਰਜ ਰਜ ਦੇਵੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਜ ਰਜ ਦੇਵੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁੱਟ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੋਹਣੇ ਮਦਨੀ ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਸੀਨਾ ਠਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਕੀਮ ਆਇਆ ਉਹ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ ਇਲਾਜ ਆਂਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਸੋਹਣੇ ਐਸਾ ਸੁਣ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਸੋਹਣੇ ਐਸਾ ਸੁਣ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਦੋ ਬੋਲ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹਿਕਮਤ ਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੋਹਣੇ ਮਦਨੀ ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਸੀਨਾ ਠਰ ਜਾਂਦਾ